आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के इस विवादित बयान पर बवाल मच गया है। बिहार के भागलपुर पहुंचे रेल राज्य मंत्री बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए गरीबों के घर जाते हैं, उनकी परवरिश भी भारत में नहीं हुई है बल्कि विदेश में हुई है, ज्यादा समय विदेश में ही बताया है, दोस्त और रिश्तेदार सभी विदेशी हैं। उन्होंने कहा कि जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं उन पर राहुल गांधी पहले बयान देते हैं। आज जो देश में गोला बारूद बनाने के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने ही राहुल गांधी के बयानों को सराहा है, राहुल ने उन्हीं की बात कही है। आप ये देख लीजिए कि जो देश के दुश्मन है गोला बारूद मारने काटने की बात करते हैं, जो ट्रेन रोड उड़ा देते हैं, वो लोग राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश में किसी को नंबर वन आतंकी कहा जाता है तो वो राहुल गांधी ही होंगे। देखो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया, अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए वो तो अब बात है नहीं, अब कैसे डिवाइड करेंगे कि यहां पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दू। इतना मतलब चिंग्यारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री बिट्टू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता है कि राहुल गांधी को देश से ज्यादा प्यार नहीं है, इसलिए वे बाहर जाकर हर चीज को लेकर उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। कभी वो ओबीसी की बात करते हैं तो कभी जाति की बात करते हैं, उनको कोई समझ नहीं है कि क्या कहना है और क्या करना है। हम लोग 2009 में एक साथ सांसद बने लेकिन वो आज तक समझ नहीं सके। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज भी वह रिक्शा वाले के पास जाते हैं, आपको आज तक ये नहीं पता चला कि उनके दर्द क्या होते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आप फोटो खिंचवाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं और बाद में उसका मजाक बनता है, आज भी ये गरीब तबके के लोगों का दर्द नहीं समझ सके हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। राहुल गांधी अपने भाषणों में विशेष रूप से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी के पहले टेक्सास, फिर वर्जीनिया और उसके बाद वाशिंगटन में दिए गए बयानों से देश की सियासत गर्म हो गई है।